I'm glad that I'm here amongst all of you today. I have been given a subject for today evening, that how do I become much more successful when I enter the corporate world after completing the studies. Is that the question? Or, yeah? One person wrote me that I completed my management graduation aur maine samjha mera campus se recruitment ho gaya to maine samjha ki ab zindagi ke sare sapne complete ho gaye pure ho gaye ab tak jo main struggle karta raha ya karti rahi ab mujhe sab kuch milega kyunki achhi naukri mil gayi. पहले तो मैं अपना घर परिवार का किराया भी घर का नहीं दे पाता था, अब से वो भी सब होने लगेगा और अब लाइफ सब बढ़िया है, आगे थोड़े दिन में शादी कर लेंगे तो जिंदगी चलेगी जिस प्रकार से चलती है. लेकिन 3 महीने में ही ऐसे पता लगा कि जिंदगी की स्ट्रगल तो अब शुरू हो रही. ये समझ में आया कि जिस कंपनी में लगे काम करना शुरू किया उनको मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं मेरे से एक्सपेक्टेड क्या है, मेरी कंपनी मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती है, मेरे बॉसेस मेरे से क्या चाहते हैं. मुझे काम दिया गया इस प्रकार का जिसके बारे में ना मैंने पढ़ा ना मुझे मेरे टीचर्स ने बताया, तो दूसरी मुसीबत. अपने बॉसेस के पास गया तो उन्होंने कहा अरे ये सीधा सा आसान सा काम नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे जिंदगी में, तुम हमारे काम के नहीं हो. दूसरे महीने उसको हटा दिया गया, दूसरी कंपनी में गए कहीं. हालांकि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में तो बड़े अच्छे नंबरों से पास हुए, डिस्टिंक्शन से पास हुए, इसलिए कैंपस रिक्रूटमेंट भी हुआ. तो ये कॉरपोरेट वर्ल्ड की अपनी एक जिसको कहें अपना एक काम करने का तरीका, अपना एक सोच का उनका अलग तरीका जो हमें पढ़ाया जाता है यहाँ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में. मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ये सिस्टम ये एजुकेशन काम की नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर में इस पर चर्चा करेंगे कि क्या इसको किस प्रकार से बेहतर किया जा सके या कुछ इसमें और सुधार किया जा सके जिससे कि ये प्रश्न जो बार बार आप सबके मन में, हजारों लोगों के मन में, मेरे जो व्यूअर यहाँ सुन रहे हैं मुझे देख रहे हैं उनमें से भी बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि हम किस प्रकार से सक्सेस की सीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुँचें, उन पर आगे बढ़ें. तो आप जो घर बैठे हुए लोग भी सुन रहे हैं, यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, आज इसी विषय को लेकर के आगे बढ़ेंगे और देखें कि कहाँ हम किस सहमति से किस प्रकार से समझते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें, सक्सेसफुल कैसे हों. इसके अगर मेरे से पूछें तो ये शो हम 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं. सीधी साधारण सी चीज़ें हैं, कई बार आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो और भी लोग आपको आपके टीचर्स प्रोफेसर्स भी बताते होंगे कि क्या क्या करना चाहिए. वो तो कुछ तो शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं जो आज के युग में लोग समझते हैं कि ये सक्सेस मंत्र है. और दूसरा रूप से सोचें तो वो एक बड़ा परमानेंट सॉल्यूशन है कामयाब होने का और कामयाबी पर रहने का, जो कि साधारण है लेकिन हम फिर भी कर नहीं पाते हैं या करना नहीं चाहते. अब आप जो नॉर्मल रूप से
जो सिखाया पढ़ाया जाता है वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या परमानेंट सॉल्यूशन सुनना चाहते हैं? कठिन है, परमानेंट सॉल्यूशन कठिन है, वो फिर भी आप करना चाहेंगे कि सीधा सा और जो इजी सॉल्यूशन है वो देखना चाहेंगे? रियली यू आर वेरी गुड. आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट योर इंस्टीट्यूट दैट बिमटेक इज हैविंग दैट डिटर्मिनेशन. कॉन्ग्रेचुलेशन. हम लोग भी साल में लगभग 100 के करीब मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स लेते हैं, कुछ इंजीनियर्स लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कुछ लेते हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स उनको कैंपस से ही रिक्रूट करते हैं अपने ग्रुप में. जब उनका इंडक्शन होता है तो मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं भी उनके सामने जाऊं, उनके सामने मैं खुद खुलूं. आज जैसे आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, इसी प्रकार से उनसे उस दिन भी चर्चा करते हैं. अपने आप को मैं पूरी तरह से उनके सामने खुला किताब के रूप में सामने आ जाता हूं. लेकिन जब मैं सोचता हूं कि वो भी खुलें उसी प्रकार से मेरे से, तो वो नहीं खुलते. बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो अपने आप को उस समय में ओपन अप कर पाते हैं, चाहे वो किसी अपब्रिंगिंग की वजह से हो, चाहे वो सामने ये हो कि ये इस कंपनी का नंबर वन होंचो खड़ा है, इसके सामने क्या बात करें, या रेस्पेक्ट के बारे में करते हो, किसी भी कारण से करते हो, लेकिन खुल नहीं पाते. और जब तक खुलेंगे नहीं तो सीखे समझेंगे क्या, ये एक दूसरी एक कठिनाई है. अगर एक नॉर्मल रूप से जो आज के युग में जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ बड़े क्विकली 5-7 मिनट में. 6 चीज़ें हैं, अगर आप वो करें तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में आपको सक्सेस मिलेगी. कितने दिन वो रहेगी, कितने दिन नहीं रहेगी, ये तो आप पर फिर निर्भर करता है. वो ऊपर नीचे ऐसे रहेगी, ऐसा मेरे को लगता है. फिर भी उन्होंने क्या कहा कि एक तो जब आप किसी काम पे लगें तो ज़रूर अपना रोल क्लैरिटी करवा लीजिए अपने मैनेजर से, अपने सुपरवाइज़र से. अपनी रोल क्लैरिटी पूरी तरह से करवाइए और उसमें भी ये देखिए कि ये रोल मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो आपको भी क्लैरिटी हो और उनको भी क्लैरिटी हो. दूसरा, अपने साथियों से, अपने आसपास जो काम करने वाले हैं, चाहे आपके सुबोर्डिनेट हों या आपके सीनियर्स हों, उनके साथ आपको कोऑपरेशन मिले, सहयोग मिले, ऐसा आपको अपना व्यवहार रखना चाहिए. सो सीकिंग कोऑपरेशन इज अ नंबर 2 थिंग. और फिर वो कहते हैं मैनेजमेंट गुरुज के स्टे मोटिवेटेड डिस्पाइट लॉट ऑफ चैलेंजेस. चैलेंजेस तो आएंगे काम करेंगे तो, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हारना और चलते रहो बिना हिम्मत हारे, ये तीसरी बात कही. और फिर कुछ चीज़ें हैं, अपने आप को खुद को मार्केट करना भी आना चाहिए आज के युग में. ये क्यों प्रोफेसर साहब, शायद आप भी मानेंगे इस बात को कि अपना ड्रम भी आपको बजाना आना चाहिए कि मैं इस काबिल हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकते हो. क्योंकि बिना आजकल कोई चुप रहते हैं तो भी लोग स्टीम रोल कर देंगे आपके ऊपर. और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये भी कहते हैं कि अपने बॉस को खुश रखो. अब मुझे नहीं पता कि कहाँ तक ठीक गलत है, लेकिन ऐसा चीज़ वो मानते हैं. ये 5-6 चीज़ें उन्होंने कही टू बी सक्सेसफुल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड.